दीपावली के पावन पर्व पर फोर्स एकेडमी की सभी विद्वान फैकल्टीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में उल्लास, उमंग और स्वास्थ्य लेकर आए। जिस तरह से आप हमारे विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक के तौर पे पढ़ाई करवा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा और फोर्स का नाम एक सितारे की तरह शहर में चमकेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। फोर्स एकेडमी की ओर से हमारे समस्त प्रिय विद्यार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय सिद्ध हो और नया वर्ष आपके लिए जो है उन्नति लेकर आए, सफलता लेकर आए। और मैं इस वर्ष जो है 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र वे अपनी तैयारियों में जुटें, जिससे कि मुख्य परीक्षा का मार्ग उनके लिए सरल सिद्ध हो। धन्यवाद। दीपावली का यह त्यौहार माँ लक्ष्मी के माध्यम से समृद्धि का त्यौहार माना जाता है। कहता है कि शिक्षा से ही समृद्धि हासिल की जा सकती है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, आप चाहे प्रीलिम्स, मेंस या फिर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा के संबल के आधार पर अपने परिवार को समृद्धि के स्तर पर ले जा सकते हैं। माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करे और माँ सरस्वती हम सभी को सद्बुद्धि देती रहे। हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहें। शुभ दीपावली। सभी विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका पिछले जो विगत परीक्षाओं के रिजल्ट आए हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, उनको भी शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है तो उन्होंने हार नहीं मानना अपने को। सफलता और असफलता में दो अंतर होते हैं। एक सफलता होती है कि हम सीखते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई पास हो गया तो उसको असफलता का मतलब नहीं पता कि हार क्या होती है। जो असफल हुआ है उसको पता है कि हम बेटर कैसे कर सकते हैं, हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं। और दूसरी चीज़, जो हार मान लेता है वो क्या है, कभी गिव अप कर देगा, वो एग्ज़ाम नहीं देगा। तो बढ़िया से दिवाली इन्जॉय करें 7-8 दिन, उसके बाद फिर नई ऊर्जा के साथ सब कुछ भूल के दोबारा से नई शुरुआत करें। और सभी को दिवाली की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जिनका पीएससी 2021 प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अब राह आगे की और थोड़ी मुश्किल होगी अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं तो। और इसीलिए अब दिवाली अच्छे से इंजॉय करने के बाद आप लोग लग जाएं बिल्कुल यहाँ पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। और आप लोगों की इस तैयारी में फोर्स एकेडमी पूरी तरीके से आपके साथ देगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल। नमस्कार विद्यार्थियों, फोर्स सिविल सेवा की तरफ से, सर्विसेज की तरफ से मैं रविशंकर दोहलिया आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसा ही कुछ किया है हमारे MPPSC आयोग ने भी, आपको दिवाली से पहले ये जो 2021 का रिजल्ट का तोहफा उन्होंने दिया है, ये एक तरीके से उनका इंडिकेशन है कि ये दिवाली जो है यदि आप बिल्कुल फोकस्ड होकर के और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हैं तो ये दिवाली आपके लिए सुख और समृद्धि भरी दिवाली भी हो सकती है। तो बस यही कहूँगा कि फोर्स अकेडमी की डेडिकेटेड टीम और हम सभी जो शिक्षकगण हैं, हम सभी पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हैं। और अब ये आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप भी पूरी तरह से अपने लिए समर्पित हो जाएं और इस शिद्दत के साथ तैयारी करें कि वास्तविकता में ये दिवाली आपके लिए आजीवन याद रहने वाली दिवाली बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद। इन प्यारे विद्यार्थियों, दीपों के इस पावन पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर्वप्रथम आपको। अभी दीपावली के पहले हमारे सामने जो खुशियां हमारे बीच में आई हैं, कुछ बच्चों के पास में 2019 का मेंस का रिटर्न एग्ज़ाम सामने है, 2021 में भी उत्तीर्ण हुए हैं और 2022 का भी प्रीलिम्स दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐसा आयोग का कहना है। और 2023 में फरवरी मार्च तक लगभग हमारी संभावना है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रहा हूँ कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में हमारे यहाँ प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रहे हैं, मेंस के कुछ टारगेट बैच भी शुरू हो रहे हैं। जो बच्चे भी 2021 प्रीलिम्स का जो अभी जो परिणाम आया जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं
उन सभी बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पृथक पृथक रूप से मेंस के टेस्ट सीरीज और बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी इस दीपावली के पावन पर्व को एंजॉय करते साथ में अपना प्रिपरेशन को भी आप साथ में कंटिन्यू रखें। और सभी विद्यार्थियों से यही कहना है मेरा कि ये पावन पर्व हमारे जीवन में एक बढ़िया खुशियाँ लेके आने वाला है। 2022 जाते जाते काफ़ी खुशियाँ देके जा रहा है और 2023 एक बड़ा हमारे लिए खुशियों का अंबार लेके आने वाला है। तो एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं इस फोर्स परिवार की तरफ से, और ये फोर्स परिवार आपकी इस त्यौहार के साथ में सफलता की कामना करता है और आपके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मय श्री गुरुवे नमः। सभी विद्यार्थियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवाने के लिए फोर्स सिविल सर्विसेज में आज हमारे सभी गुरुजन आपको शुभकामनाएं देने के लिए बैठे हैं। इस दीपावली की शुभकामनाएं और आने वाले 2021 और 2019 के मुख्य परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। आप सभी गुरुजनों से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा मैसेज आप सभी की तरफ से एक साथ। शुभ दीपावली। लक्ष्य निश्चित तौर पर हासिल। वन मोर सर, आपको सुनने के लिए हमेशा बच्चे चाहते हैं। जब ठान ही लिया तो क्या हार क्या, क्या जीत क्या, और जब लक्ष्य निश्चित है तो फिर अभिमन्यु तो बनना ही पड़ेगा, अपनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना तपे सोना भी आकार नहीं लेता। मेहनत कीजिए और जितनी शिद्दत से मेहनत की जाएगी लक्ष्य उतना ही आसान हो जाएगा। सभी को शुभ दीपावली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय अवधेश जी यादव सर, आदरणीय महेंद्र सर जी, आदरणीय लखन सर जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह भदौरिया जी, आदरणीय गौरव दुबे सर जी, परम आदरणीय अनिल शर्मा सर जी एवं आदरणीय रविशंकर सर जी, ये मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए आपकी टीम अगले 9 नवंबर से तैयार है, जो कि आपके नवीन बैच की तैयारी की स्थापना आज इस कक्ष में की गई। और 9 नवंबर से हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा, 9 नवंबर से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट सीरीज का लोकार्पण करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी उससे जुड़े। फोर्स सिविल सर्विसेज परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली।